हेलो एवरीवन, आज मैं हिंदी स्टार्ट कर रही हूं। आई स्टार्ट विथ स्वर। स्वर और व्यंजन जो हम जूनियर केजी में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और हम बिना मात्रा के शब्द भी जूनियर केजी में कंप्लीट करा चुके हैं। देन टू आई रिवाइज ऑल द वर्ड्स फॉर यू, राइट? आई गो स्लोली एंड स्टेडीली। मैं वापस से राइटिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, तो जिन जिन की अभी भी स्वर और व्यंजन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एक बार अच्छे से देख लीजिए और सेम वे में लिखना चालू कीजिए। जैसे आपके नोटबुक्स हैं, मेरे पास वैसा बैकअप नहीं है, सो आई विल जस्ट राइट इन दिस, बट यू ऑल विल राइट इन योर नोटबुक अकॉर्डिंग टू द पैटर्न गिवन बाय द स्कूल। स्कूल ने आपको जो पैटर्न सिखाया है आप उसी के हिसाब से लिखेंगे। वी राइट फाइव लाइन्स एंड विल लीव वन लाइन, ओके? सो फॉलो दिस पैटर्न। आई स्टार्ट विथ स्वर। स्वर का मतलब होता है अ से अह। अब आप बड़े हो चुके हो, सो यू नो द, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ स्वर। आई स्टार्ट विथ अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एडी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अन से अंगूर, अह खाली। हिंदी में आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वो है प्रोनंसिएशन। हिंदी और इंग्लिश ऐसी भाषा है, इफ योर प्रोनाउंसिएशन आर नॉट क्लियर, आप लिखने में बहुत ज्यादा गड़बड़ कर सकते हैं जब आपको डिक्टेशन आते हैं। सो यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर प्रोनाउंसिएशन, राइट? अ आ ई ई ऊ ऊ री ए ए ओ औ अन अह, राइट? तो आपके प्रोनंसिएशन बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए, तो ही आपको मात्राएं, स्वर, व्यंजन सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो यू शुड प्रोनंसिएट प्रॉपरली। मुझे छोटी बड़ी बोलना बहुत कम अच्छा लगता है, उससे बेटर आई यूज ई से इमली, ई से ईख। छोटी बड़ी हमारे प्रोनंसिएशन में आना चाहिए, ना कि हमारे शब्दों में, राइट? अब आ ई ई ऊ ऊ री ए ऐ ओ औ अन अह, ओके? सो होप स्वर और उसके प्रोनंसिएशन आपको क्लियर हो और आप इसी वे में प्रॉपरली अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। ओके, आई विल स्टॉप विद दिस। Bye.